अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम नई रोशनी के अंतर्गत अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व विकास हेतु 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज ग्राम प्रधान द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसमें महिलाओं को RTI घरेलू हिंसा व स्वरोजगार जुड़ने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा सरस्वती जन कल्याण एवं स्वरोजगार संस्था के सौजन्य से अल्पसंख्यक महिलाओं को लगातार स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज खेरी गांव में दर्जन महिलाओं को घरेलू हिंसा व RTI जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई, ताकि ग्रामीण महिलाएं घरेलू हिंसा से बचकर व स्वरोजगार से जुड़कर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। नवबारा समाचार डोईवाला उत्तराखंड से जावेद हुसैन। अल्पसंख्यक आयोग से इस योजना के अंतर्गत यह कार्य करवाया जा रहा है, और इसमें इसका मेन मकसद है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनको रोजगार से जोड़ना। ये 6 दिन का प्रशिक्षण है। 6 दिन के प्रशिक्षण के बाद इनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, और इनको इस प्रोग्राम में बहुत ही जानकारियाँ दी जा रही हैं, जैसे RTI हो गई, बैंक की सुविधाएं के बारे में, योजनाओं के बारे में, और सभी योजनाओं के बारे में इन्हें बताया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं अधिकतर घर में ही रहती हैं, बाहर नहीं जा पाती। इस विषय से सरकार जनता के द्वारा कर यह प्रोग्राम कर रही है, ताकि इसका महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके और महिलाएँ अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ग्राम संगठन से महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, RTE के तहत जो भी जानकारी ये प्राप्त कर सकते हैं उससे संबंधित इनको जानकारी मिलेगी, और अल्पसंख्यक विभाग में इनके लिए क्या क्या योजनाएं आती हैं उससे संबंधित इनको जानकारी दी जाएगी, और एक तरह से वुमन एम्पावरमेंट के बारे में इनको बताया जाएगा, महिला सशक्तिकरण के बारे में, ताकि अपने बात को रख सके, क्योंकि गाँव में रहती हैं तो उसका इस तरह से इनको इतना ज्ञान नहीं है, और ये बैंकिंग वगैरह के बारे में सीखेंगी, यहाँ पर अपने बच्चों के लिए इनको क्या क्या राइट्स हैं इनको मिले हुए उनके बारे में सीखेंगी, तो बहुत सारी नॉलेज इनको इस 6 दिन के प्रोग्राम में, 6 दिवसीय प्रोग्राम में इसमें प्राप्त होगी। तो हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छे से चले, तो आप मीडिया भी इसमें हमारा पूरी तरह से सहयोग कीजिएगा। थैंक यू। जो हमारे सिख समुदाय की महिलाएँ हैं, 25 महिलाएँ हैं, उनको नई रोशनी कार्यक्रम में, जो कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन योजना चल रही है, उसमें उनको नेतृत्व विकास एवं क्षमता विकास के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि 6 दिन का होगा, और इसमें हमारे सिख समुदाय की महिलाएं हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इसमें अलग अलग टॉपिक्स पे उनको विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जैसे कि हमारे RTI एक्ट के बारे में और एजुकेशन के बारे में, हमारे SHGs के बारे में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, डिजिटल लिटरेसी के बारे में, लीगल राइट्स के बारे में, महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में, उनको जो कानून है उनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी, और इसमें हमारे अलग अलग क्षेत्र के रिसोर्स पर्सन्स आएंगे, और जिसमें बैंकर्स भी शामिल हैं, वो उनको विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, और जो राइट टू एजुकेशन है इसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी, प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे, डेमोस्ट्रेशन भी कराया जाएगा, इस प्रकार जिससे उनको नेतृत्व क्षमता उनकी बने और आगे अपने लाइन में अपने विकास में।